घर जाते हुए अलीना ने असद वाले वाक़े का बताया मुझे, मगर मैंने उसकी बात टाल दी। मगर वो उलझती जा रही थी। अगर वो मुझे वाकई धक्का दे देता तो? यार वो तुम्हें क्यों धक्का देगा? क्यों नहीं दे सकता? जिनसे प्यार किया जाता है ना उनके साथ यूं। खुदा के लिए बस कर जाओ। ये रोज आता है इसी तरह पीछे पीछे। हाँ तो मैं तुम्हें क्या फारसी में बता रही थी? कहीं ये वही तो नहीं जो तुम्हारे फ्लैट में सब कुछ करवा रहा है? ये हाँ वो भी सकता है। अच्छा एक सेकंड रुको, भाई जरा इस बाइक वाले को रोकना। चलो उतरो जरा। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? और ये हेलमेट क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है? कोई जंग लड़ने जा रहे हो क्या? उतारो इसे। अरे भाई क्या मसला है? तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों तंग करते हो हमें? मैं तंग करो इन्हें? वो कैसे? तुम रोज इसका पीछा करते हो और इसके फ्लैट तक। ओ हेलो क्या हो गया? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। कब हुई हमारी मुलाकात? हाँ मुलाकात तो नहीं हुई। सुन लिया आपने, मैं जब इनसे मिला नहीं तो मैं तंग कैसे करूँगा? अच्छा तो फिर रोज इसके पीछे क्यों आते हो? मैं इनके पीछे आता हूँ? और अगर यही बात मैं कहूँ कि ये मेरे आगे अगर रोज जाती तो फिर ये कि अच्छा तुम बस जाओ। अजीब लोग है दुनिया में, खामखा की टेंशन। क्या हुआ बाजी? आप पूछो, जब आना था तब तो आए नहीं। चलो अब चल के बैठो और तुम भी चलो, तुम तो मुझे वहमी कर दोगी। अलीना वहां से तो चल पड़ी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। एक खौफ था, एक वहम था जो उसके साथ साथ चल रहा था। और वो ये सोच रही थी कि कौन होगा जो उसके सुकून के पीछे पड़ गया था, कौन होगा जिसने उसकी रातों की नींदें हराम कर दी, और कौन होगा जिसने उसके घर का हश्र ऐसा कर दिया था। मुझे शाम को अलीना की कॉल आई। वो बहुत डरी हुई थी, मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तसल्ली दूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो ड्रॉप हुई थी वो। मैंने उसकी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों? अच्छा तुम रोना तो बंद करो प्लीज। कैसे बंद कर दूँ रोना? मेरे साथ रोज ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यार अलीना रिलैक्स, रोने से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? मैं पापा को बताऊं? नहीं नहीं, वो खाला को बता देंगे। और तुम नहीं चाहती कि खाला को पता चले? हाँ सादिया, तुझे जो वो लड़का हमें घूर के गया था ना, वो
बिल्डिंग में आज फिर? मेरा ख्याल है वही है मनुज जो सब कुछ करवा रहा है। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो, मैं आती हूँ। मैं भागी भागी अलीना के पास पहुंची, उसको तसल्ली दी। पुलिस आई, हमने उस लड़के का हुलिया बताया और वो उस लड़के को ले आए। देख ले, यही है? जी यही है। क्यों है, शर्म नहीं तेरे को ऐसी हरकतें करते हुए? हैं कैसी हरकतें? बकवास करता है कैसी हरकतें हैं? क्यों तंग करते हैं इनको? मैं क्यों तंग करूंगा? क्योंकि तुम समझे कि अकेली लड़की है, मौका अच्छा है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, आखिर बताए तो नहीं मैंने किया क्या है? ये तो तू थाने चल के बताएगा कैसी हरकतें और क्या कर रहा है तू। चल शादी किसको लेकर चल, आपको यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, आप यहाँ आराम से रहिए। पुलिस तो आ गई, लेकिन क्या इससे अलीना के फ्लैट पे सुकून भी आएगा? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में। उस रात के वाकये के बाद अलीना की तबीयत खराब हो गई, और जब अलीना की खाला को अलीना की तबीयत की खराबी का इल्म हुआ तो वो दौड़ी चली आई। ये लो, ये खाने से तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, बल्कि दौड़ने लग जाओगी पहले की तरह। खाला, मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो खिचड़ी खाने से ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी सी बोझल हुई है तबीयत। लो खिचड़ी में तो हर मर्ज की शिफा है, ये लो। खाला मैं मेडिसिन ले तो रही हूँ, वो देखें, बस थोड़ी सी स्ट्रेस और वीकनेस है। चलो फिर मैं वापस ले जाती हूँ। ले जाऊँ या छोड़ जाऊँ? ले जाएं खाला, अनम को खिला दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुमने ऑफिस में बता दिया छुट्टी का? जी बता दिया है। चलो मैं चल रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाय सादिया। हाय असद, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस वैसे ही गूगल पे कुछ ढूंढ रही थी। ओह अच्छा अच्छा ये अलीना नहीं आई आज, खैरियत? हाँ उसे कहीं जाना था, क्यों तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं नहीं, वो रोजाना गुजर होता है ना, तो बैठी हुई नजर आ जाती है, आज नजर नहीं आई तो इसलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, और सब बिल्कुल ठीक, मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय।